सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं आइसलैंड के बारे में और आइसलैंड में जो रिक्वायरमेंट है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप आइसलैंड जाना चाहते थे देन ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आइसलैंड की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर साल उन्हें 2000 स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत रहेगी। ये 15 साल तक रहने वाली है, मतलब 2030 तक ये रिक्वायरमेंट रहेगी और इसकी वजह से वो 30,000 अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर को बुलाने वाले हैं आइसलैंड। वैसे आप सबको जान के हैरानी होगी कि आइसलैंड बहुत छोटा सा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। वैसे एरिया के हिसाब से देखें देर काफ़ी बड़ा है, बट सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरिया में ही इसकी पॉपुलेशन बसती है, बाकी जो एरिया है वहाँ पे हार्डली कोई आदमी रहता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है और इसकी वजह से वहाँ पे वर्किंग फोर्स भी काफ़ी कम है। तो उन्हें अगर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है देन उन्हें हर साल 2000 वर्कर चाहिए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि हर साल वो 2000 स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को आइसलैंड बुलाने वाले हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है हम इंडियन के लिए, क्योंकि हमें कोई वर्कफोर्स की कमी नहीं है इंडिया में, क्योंकि जो हम बोलते हैं हमेशा कि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वो एक तरह से देखें तो हमारे लिए ब्लेसिंग अभी बन गई है, क्योंकि इतनी वर्कफोर्स इंडिया में है कि हम अपना कंट्री तो चला ही सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे कंट्रियों को भी हेल्प कर सकते हैं उनको इकोनॉमिकली डेवलप होने में। तो यहाँ पे आइसलैंड में जो 2000 लोगों की ज़रूरत रहेगी हर साल, उसको पूरा करने के लिए इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी कंपटीशन रहता है, क्योंकि ये आइसलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है, तो यूरोपियन यूनियन के लोगों को खास करके सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, बाद में नॉन यूरोपियन यूनियन के लोगों को प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो वैसे तो देखा जाए तो थोड़ी बुरी बात यह है कि हम यूरोपियन यूनियन में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमारी चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, बट नेवरदलेस हम लोग ट्राई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और इन अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए आपको कोई ढेरों वेबसाइट मतलब सर्फ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वेबसाइट याद रखना है, वो है ec.europa.eu। ये जो वेबसाइट है इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक बार आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया देन आप आइसलैंड के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आपको जान के बड़ा दुख होगा कि आइसलैंड में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आप इस वेबसाइट में जब आप रजिस्टर करते हैं देन आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है यूके में, देन आयरलैंड और तीसरे नंबर पर आता है आइसलैंड। तो रैंकिंग के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, इसलिए है ये तीसरे नंबर पर क्योंकि वहाँ पे उतने लोग नहीं है मतलब उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ तो कम है और साल में 2000 लोग मतलब काफ़ी कम संख्या है, बट चांसेस हैं कि आप वहाँ पे जा सके। एक बार आपने इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर दिया देन आप अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जैसे वहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर आता है देन आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए VFS ग्लोबल के थ्रू से। सो एकदम सा सिंपल सा प्रोसेस है ये। तो अगर आप जाना चाहते हैं आइसलैंड देन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2015 से 2030 के बीच में हर साल 2000 यहाँ पे वर्कर को बुलाने वाले हैं आइसलैंड में, जिसकी वजह से अगर आप जाना चाहते हैं आइसलैंड देन ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो ये था आज का वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।